शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोविंद सिंह लोगोवाल ने कहा है कि कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर 1984 के दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। वे शनिवार को फाजिलका जिले के गांव फतेहगढ़ में एक गांव एक गुरुद्वारा मुहिम के तहत आए हुए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे पहले सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को भी ऊंचे ओहदों पर बैठाती आई है। वो बड़ी दुख की गल हैगी और जिहड़ा दिल्ली दे विच कतलेआम होया, सिखां दी नसलकुशी हुई, हजारां दी गिनती विच सिख मारे गए, अज भी वो जिहड़े जिन्हां दे परिवार मारे गए ने, लोग मारे गए ने, जिहदे सामने टायर पा पा के और जिउंदे नूं साड़ दित्ता गया, वो परिवार अजे भी अपनी थावां ते जिहड़े थां थां ते भटकदे फिरदे ने इंसाफ लैण लई। और उन्हां दे विच सज्जन कुमार जिथे जगदीश टाइटल है उत्थे कमलनाथ का जिहड़ा नाम सब तो मुढ़ी आ रहा है। सो सानू सारयां नू बड़ा बड़ा दुख होया कि और उन्हू एडा वड्डा कांग्रेस वल्लों अहुदा दित्ता जा रहा जिन्हें जिहड़ा दंगियां दा एक दोषी है। सो मैं समझदा उन्हां परिवारां दे उत्ते एक जख्मां दे लूण लाउण वाली गल कांग्रेस ने की है, ये होनी नहीं चाहीदी। सिख जनत नाल इंसाफ करना चाहिए। करतारपुर साहिब गलियारे के खुलने पर खुशी जताते हुए एसजीपीसी के प्रमुख गोविंद सिंह लोगोवाल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों का यह सराहनीय कदम है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस मामले में दखल न देने की सलाह भी दी। प्रबंधक कमेटी वालों उपराले किए गए ने, असी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिखा, उत्ते चिट्ठी भी लिखिया। बहुत खुशी की गल है कि दोनों परिवार ने दोनों देशों ने पाकिस्तान ने भी तो भारत सरकार ने भी जो फैसला किया, नींह पत्थर भी रख देते हैं, कोरीडोर बनाने का फैसला मैं स्वागत भी करता। सो आस करदा कि सतगुरु महाराज कृपा करन कि जल्द तो जल्द ही लांघा खुले ताकि असी सारे खुले दर्शन दारे कर सके। पर मैं समझा अजिंह गल् नहीं करनी चाहिए, एक धार्मिक मामला है। तो अजिंह गल् करके तो मैं समझा ये डिगे बनते हैं, जो ये बड़ा बड़ा मसला सिखा का। सो उन्होंने यदा सहयोग देना चाहिए। एक गांव एक गुरुद्वारा मुहिम के तहत फतेहगढ़ के दो गुरुद्वारों का विलय किया गया है। एचईपीसी प्रमुख गोविंद सिंह लोगोवाल अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ उठाकर दूसरे गुरुद्वारे में लाए। उन्होंने कहा कि यह मुहिम सिख गुरुओं के उपदेशों के अनुरूप चलाई गई है। तो आज बहुत ही मैं समझा खुशी की गल है कि पिंड फतेहगढ़ की सारी संगत ने रल मिल के बड़ा बड़ा एक उपराला किया है। और जो असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक मिशन शुरू किया गया सी, जो मिशन श्री गुरु नानक देव साहब जी का और है वो 550 साल मुख रखते हुए, जिस ना उन्होंने एकता प्यार का मिशन सानू दिता है, सभ्य सांझी बाल सदान कोड़ा दिशा बारा जियो। सो वो मिशन लैके चले सी कि एक पिंड दे विच एक गुरुद्वारा होवे, जिहड़े गुरुद्वारा गुरु घर ने वह किसी जात बरादरी के नाँ से ना बनाए जाने। सो उस मिशन की पूर्ति जी है वो अज सारे इस नगर निवासियों ने की है। इतने दो गुरुद्वारे सन तो उन्होंने एक गुरुद्वारे की संपूर्णता करके बड़े अदब सत्कार के नाल उतो श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जोड़ा सी वो असी लैके आंदा। और सारे रस्ते विच लाल रंग का कारपेट बछाया गया सी गुरु दी और सत्कार दे विच, ते सारे रस्ते दे विच लोकी बड़े सत्कार श्रद्धा नाल खड़े सी, फुल्लां दी बरखा कीती गई और बैंड बाजे बजाए गए कि गतका पार्टियां हुई, बड़ी ही एक नगर कीर्तन दे रूप दे विच सारा ये गुरु महाराज का जिहड़ा स्वरूप असीं लैके आया। तो असीं सारे इत्थों दी संगत दे नाल मिल के जो भी एक संगत इतों की फैसला करेगी, जा कोई भी उत्थे लाइब्रेरी बनानी होवे, जा कोई होर किसी धार्मिक विद्यालय वास्ते जिस तरह का भी उतों का संगत यूज कर सकते हैं वो थान, उन्हां नाल बैठ के और असीं फैसला करांगे। श्रोमणी कमेटी उहदे विच हर तरह की मदद जी है इस नगर की की जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।